Assalamualaikum everyone, welcome back. So finally, काफी अरसे बाद मैं vlogging कर रहा हूँ, specially during hiking, क्योंकि कुछ issue हो गया था, मेरा जरा equipment misplaced हो गया था. So finally I buy a new kit for my vlogging. So आज हम जा रहे हैं Abbottabad hiking करने. मेरे पहले से ही सांस फूल रही है क्योंकि अभी चढ़े भी नहीं है, लेकिन काफी अरसे बात कर रहे हैं तो ये तो होना ही था. और स्पेशली आज आप लोग को एरियल व्यू ऑफ Abbottabad दिखाएंगे. सो लेट्स गो. बस हमारे सांस तो शुरुआत में फूल गई थी. सही हाइकिंग तो अभी रहती है. माजिद क्या कह रहे हैं आप हाइकिंग के बारे में? यार गर्मी में हाइकिंग अच्छी नहीं है मेरे मुताबिक. क्यों? तो अब देखो ना, अभी आधा रास्ता भी नहीं, आधा नहीं बल्कि स्टार्ट भी नहीं हुआ है और हमारी सांस फूल गई है, तो इसका क्या फ़ायदा. हाँ लेकिन यार हमारे भी गलती, हम पूरे रोज़ यकीन करो कमरे से नहीं निकले. हाँ ये बात है. सिर्फ नमाज पढ़ने गए और बाकी कहीं भी नहीं गए. तो अगर बंदा वीक में एक दफ़ा हाइकिंग करने आए तो बंदे का स्टेमिना बरकरार रहता है, लेकिन अगर हमारे तरह दो तीन महीने बाद आए तो फिर तो ऐसा लगता है जैसे कभी आया ही नहीं हो ज़िंदगी में हाइकिंग करने. वैसे इधर का रास्ता इतना सख्त है कि पता नहीं लोग यहाँ पर कैसे आ जाते हैं डेली. हम भी रहते हैं माउंटेनस एरिया के, लेकिन यकीन करें Abbottabad में रह रहे कि वो आदत ही ख़त्म हो गई हाइकिंग करने की. और यहाँ पर गाड़ियाँ भी आ जाती, पता नहीं कैसे ले आते. गाड़ी का तो हाल ही बुरा होता होगा उसके बाद. बस यकीन करें यहाँ पर Abbottabad का इतना खूबसूरत व्यू नज़र आता है कि आपकी सोच है, लेकिन हम लोग आपको कैमरे की आंख से भी दिखाएंगे और आज आपको उनका एरियल व्यू भी दिखाएंगे. सो पहले आप कैमरे से देख लें, एरियल व्यू बाद में दिखाएंगे. फाइनली वे मेड इट टू अवर सेकेंड स्टॉप. अब तकरीबन थर्ड स्टॉप रहता है और उसके बाद भी है, लेकिन थर्ड स्टॉप जो है वो काफ़ी लेंथी भी है और स्टीप पाथ भी है. सो मैं और माजिद वो भी तय कर लें. सो लेट्स सी, अभी दूसरे स्टॉप पर ज़रा दो तीन मिनट वेट करते हैं ताकि ज़रा फ्रेश हो जाए नेक्स्ट स्टॉप के लिए. फाइनली वी मेड इट और थर्ड स्टॉप. काफ़ी स्टीप पाथ है वैसे थर्ड स्टॉप तक आने के लिए, लेकिन फाइनली हम लोगों ने वो भी तय कर लिया. अब मैं फोर्थ स्टॉप तक देख रहा हूँ, लेकिन वो काफ़ी इससे ज़्यादा स्टीप है क्योंकि उधर चढ़ने के लिए पहले हमें नीचे जाना पड़ेगा, दोबारा फिर ऊपर जाना पड़ेगा. सो होप इंशाल्लाह हम वो भी तय कर लेंगे. सो लेट्स गो. वैसे जब यहाँ पर मैं पहले जमशेद के साथ आया था तो इधर काफ़ी पानी था, मतलब अगर कोई जानवर वगैरह या काओ या शीप वगैरह आ जाए तो पानी पी सकते हैं, लेकिन वो भी सूख गए गर्मी की वजह से. और माजिद मुझसे आगे चला गया, लेकिन इस दफ़ा सबसे पहले मैंने ही पहुँचना ऊपर टॉप पे, क्योंकि पिछले पहले मैं आया था और जमशेद के साथ तो मैं सबसे लास्ट पहुंचा था टॉप पे, लेकिन इस दफ़ा माजिद से पहले मैंने पहुंचने.
वैसे मैंने दो तीन दफ़ा जमशेद का नाम लिया. हिज नेम इज़ जमशेद बर्की और ही इज़ अ ब्लॉगर फ्रॉम फाटा. काफ़ी अच्छी ब्लॉगिंग करता है, ही इज़ अ प्रोफेशनल. सो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऊपर इंस्टाग्राम का अकाउंट लिंक दे दूंगा, तो फॉलो भी करें. काफ़ी अमेजिंग फोटोग्राफी करते हैं. थैंक यू. तो फाइनली मैंने माजिद कम्प्लीट कर लिया, वो रहा माजिद पीछे आ रहा है और मुझे हर हाल में टॉप पे पहुंचना है. सो लेट्स सी. फाइनली आई मेड फर्स्ट टू द फाइनल स्टॉप. फोर स्टॉप जो हमारा है काफ़ी स्टीप बात थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ऊपर आ गए. सब ज़रा रेस्ट करते हैं, पानी वगैरह पीते हैं और आप हमारे साथ भी इंजॉय करें. सो फाइनली जिस चीज़ के लिए थे वो काम हो भी गया, ट्राई भी किया, काफ़ी सारा कंटेंट भी बनाया, तो आप लोगों ने वीडियो में देख लिया. अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड सी इन द नेक्स्ट वन. अल्लाह हाफिज़.